हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया स्वागत करता हूं सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। चैनल टोटली डेडिकेटेड है उन क्रिप्टो करेंसी मार्केट न्यूज़ एंड अपडेट्स के साथ ही हम कुछ कॉइन्स की प्राइस एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आज की वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहेगी एंड पॉइंट टू पॉइंट रहेगी, जिसके अंदर मैं मार्केट के आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देना चाहता हूँ। BTC के बारे में बताना चाहता हूँ कि BTC जो अभी आ चुका है लगभग 10,000 के आसपास आ चुका है और इसने 9,860 का मार्केट टच किया था। तो आगे क्या लगता है बिटकॉइन की हालत क्या होगी, ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है, इथेरियम का क्या हो सकता है क्योंकि इथेरियम ने भी 202 का मार्क टच किया था, लाइटकॉइन का क्या कह सकते हैं, लाइटकॉइन भी काफ़ी नीचे आ चुका था, लगभग 86 से शायद नीचे आ चुका था। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे लिब्रा के बारे में बात करेंगे और कांग्रेस US कांग्रेस ने जो एक स्टेटमेंट एक जो ड्राफ्ट तैयार किया है, क्या अगर वो ड्राफ्ट पास हो जाता है तो कितनी बड़ी फ़ाइन लगेगी लिब्रा पे या लग चुकी है फेसबुक के ऊपर, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर चलते हैं। तो अभी जो मार्केट कैप चल रही है डेट इज़ $279 बिलियन के आसपास चल रही है और BTC की जो प्राइस है अभी उन्होंने एवरेज जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के एवरेज निकाल के हम देखते हैं तो लगभग 10,300 के आसपास चल रही है। इथेरियम 226 के आसपास चल रहा है और बाकी जो कॉइन्स हैं नीचे नीचे की तरफ ही चल रही हैं कि लाजमी है क्योंकि BTC का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ गया है, इसकी वजह से अब प्राइस नीचे चल रही है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BTC डोमिनेंस के ऊपर बात करते हैं। देखिए BTC की जो डोमिनेंस है फिलहाल चल रही है 69.68 चल रही है और इसने ऑलमोस्ट 70% टच कर लिया था BTC ने अपनी डोमिनेंस, जो बहुत ज़्यादा है। और अगर हम एक वाइड फ्रेम में चार्ट्स देखते हैं, ठीक है, तो इससे पहले जब बिटकॉइन बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, मेरे ख्याल से फैब या जैन 2018 की बात करते हैं, तब इसने जो अपनी डोमिनेंस की एक हाई टच की थी डेट इज 76% के आसपास से टच की थी, उसके बाद से इसमें फॉल आया था, ठीक है। तो अभी जो BTC की जो डोमिनेंस बढ़ रही है इसका एक मेन रीज़न ये है कि बाहर से जो फंड आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल फंड्स आ रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है बिटकॉइन के अंदर, ओके, पैसा आ रहा है, इसकी वजह से इसकी डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और मेरे ख्याल से लास्ट मंथ में ही इसकी जो फोमो क्रिएट हुई है काफ़ी ज़्यादा फोमो क्रिएट हुई है और क्योंकि इसने जो छलांग मारी थी 6,000 से सीधा 14,000 छलांग मारी थी, वो भी बहुत बड़ी चीज़ थी। और एक ये फोमो है कि इसका जो प्राइस है 15,000-17,000 ईजिली जा सकता है और ऑफकोर्स ही जाएगा, ठीक है। देखिए मार्केट के एक रूल्स होते हैं, नियम होता है कि जब ये ऊपर जाएगा उसके बाद एक नीचे आता है, तो उसी हिसाब से इसमें जो है अभी एक करेक्शन का मोड है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ा था। और ये जो करेक्शन है डेट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। देखिए इससे पहले भी जो मार्केट 14,000 गया था तो सबकी हालत पछता हो गई थी यार कि हमें तो बाई नहीं किया, हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर एक मौका मिला, मेरे ख्याल से 9,500 के आसपास शायद आ गया था, 9,560 के आसपास आ गया था, मौका मिला था बाय करने के लिए, वो भी फिर किसी ने शायद बाय नहीं किया था, सब सोचे कि अब तो 8,000 का मौका मिलेगा वहाँ बाय किए करेंगे। फिर क्या हुआ, वापस से मार्केट ऊपर गया और 13,200 के आसपास ऊपर चले गया, ठीक है। फिर वापस से मन किया कि भाई बाय करना है, मेरे पास मैसेज आते थे कि सर कहीं से बाय हो सकता है नहीं हो सकता है, सेल करना है हमें, बाय करना है, इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तब हम उस अपॉर्चुनिटी को नहीं लेते हैं, ओके, और जब ऊपर चले जाता है रेट ज़्यादा होने लगता है तब हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं, ओके। अभी अगर आप फियर एंड ग्रेड इंडेक्स देखेंगे तो मैं अगर आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, यहाँ पे फियर एंड ग्रेड इंडेक्स, तो यहाँ पे एक्सट्रीम फियर है मार्केट के अंदर कि यहाँ से जो है BTC बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा, ओके। तो जब पूरा मार्केट एकदम फियर मोड के अंदर है, ठीक है, तो वो एक वक्त रहता है आपको वहाँ से ग्रैब करने का, ठीक है, ग्रैब करने का। अब देखिए जो ज़्यादा चांसेस लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर वापस से पुल बैक लेगा, 1,000 पॉइंट ऊपर नीचे जा सकता है, तो ये जो है काफ़ी अच्छा लेवल है टू गेट हैंड्स इनटू बिटकॉइन। तो अभी देखा जाए तो मार्केट में एक्सट्रीम फियर है, तो हमेशा से मार्केट के अपोजिट चलना सीखिए, प्रॉफिट अच्छा खासा आपको मिलेगा, ठीक है। और ये मत सोचिए कि मार्केट वापस से 5,000, 6,000, 7,000 के आसपास आ सकता है। देखिए बहुत सिचुएशन ख़राब होती है तब ऐसा आप सोच सकते हैं कि इतना नीचे आएगा, लेकिन 9,500 के आसपास भी लोग खड़े हैं इसको बाय करने के लिए, अगर वहाँ तक आता भी है तो भी ज़बरदस्त वापस से लोग बाय करेंगे, रेट ऊपर की तरफ चले जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे से सपोर्ट की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से 9,600 है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर उसको तोड़ देता है तो हम 9,300 टेस्ट कर लेंगे
और उसके बाद से 8,800 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट रहेगा, स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से। तो अगर वहाँ तक आता भी है तो बहुत तेज़ी से ये बाउंस बैक हो जाएगा, वापस से हम 10,000 और 11,000 के लेवल के बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग बिटमैक्स में लॉन्ग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन अपनी जो बाइंग पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन है, डेट शुड बी नाउ नियर अबाउट 9,800 के आसपास उसे रख सकते हैं। लेवरेज 3x से ज़्यादा मत करो, ठीक है, क्योंकि 3x आप रखेंगे तो इनकेस अगर नीचे भी जाता है तो भी आप सेफ रहेंगे, आप लिक्विडेट नहीं होते, ठीक है, ये इतना मैं आपको कहूँगा हमेशा। तो वापस से हम आते हैं BTC डोमिनेंस के बारे में आते हैं। देखिए BTC की जो एक हेल्दी डोमिनेंस है वो 60% के आसपास काफ़ी हेल्दी डोमिनेंस रहेगी मेरे ख्याल से, यहाँ से ऊपर जाएगा, इसकी जो डोमिनेंस है 76 को टच करें, ठीक है, क्योंकि इसने पहले उसको टच किया है, उसको टच करें, उसके बाद से वापस से BTC की डोमिनेंस है वो नीचे की तरफ आएगी, तो 60 और 65 के बीच में अगर रहता है तो मेरे हिसाब से काफ़ी हेल्दी डोमिनेंस रहेगी। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपको चार्ट्स के ऊपर लेके आता हूँ, BTC का जो चार्ट है, मैंने XBT का ओपन किया है, 4 आवर्स का चार्ट ओपन किया है, और इसमें फिबोनाची का लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं और टॉप टू बॉटम ड्रॉ किया है, उसके साथ मैंने ABC इलियट वेव्स के करेक्शन वेव्स को ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि 61.8 जो है, डेट इज़ 11,950 के आसपास, या आप कह सकते हैं रफली 12,000 के आसपास, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, मतलब उस लेवल के ऊपर जो है ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं रहा है, ओके, और उसको क्रॉस करने के बाद तुरंत नीचे आ जाता है। और 38.2 जो है 11,000 का लेवल है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि 38.2 और 61.8 के बीच में ये काफ़ी अच्छा रैली हो रही है इसकी। और इसके अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो जब ये नीचे की तरफ आया था मेरे ख्याल से 2 जुलाई के आसपास ये आया था, सेम सपोर्ट पे इसने वापस से अभी हिट किया है। और अगर मैं इस पर TD सिक्वेंशियल की बात करता हूँ 4 आवर्स के चार्ट पे, तो यहाँ पे 9th कैंडल पूरा कंप्लीट हुआ है और उसके बाद से 1-2 कैंडल छोड़ के आई होप कि यहाँ से पुल बैक ज़रूर लेगा 9th कैंडल के बाद, और एटलीस्ट ये ट्राई करेगा 38.2 को हिट करने के लिए, जो होगा हमारा 11,000 का लेवल होगा। और 38.2 को अगर हिट कर देता है तो उसके बाद से वो 61.8 को हिट करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा अभी करंट पोजीशन सी वेव जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से एक नया वेव अगर हमारा स्टार्ट होता है, ए वेव जो रहता है काफ़ी बड़ा रहता है और बी जो रहता है वो उसका नियरली 45% के आसपास रहता है, तो अगर ए वेव भी जाता है यहाँ से तो हम 12,000 के आसपास वापस देख सकते हैं, फिर वहाँ से एक करेक्शन आएगा तो वो हमको 11,000 के आसपास लेके जाएगा, और फिर फाइनल जो सी वेव का करेक्शन होगा वो होपफुली उसको तोड़ना चाहिए, 12,500 का लेवल तोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है, इस हिसाब से मेरे हिसाब से जा सकता है एज़ पर द चार्ट्स, एज़ पर द फिबोनाची लेवल्स और एज़ पर द सपोर्ट लेवल्स जो हमारे पास है। अगर सपोज़ कीजिए 9,800 को ये ब्रेक करके 9,600 के नीचे भी आ जाता है, तो अभी जो मैंने आपको बताया, जो सिनेरियो बताया, एक बुलिश सिनेरियो ऊपर की तरफ बताया, वो टोटली इनवैलिडेट हो जाएगी, और उसके बाद से हम वापस से एक इंतज़ार रहेगा कि 9,300 पकड़ के रखे या 8,800 के आसपास पकड़ के रखे, ठीक है। तो अगर वहाँ पे आता है तो मेरे हिसाब से तो बायबैक का काफ़ी अच्छा जोन बनता है, और मैं भी उस हिसाब से वहाँ पे बायबैक ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए तो अच्छा रहेगा कि अगर ये नीचे आएगा, क्योंकि मैं वापस से बायबैक करूँगा तो मुझे जो BTC है वो काफ़ी ज़्यादा और मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये एक करंट सिनेरियो है BTC का। अब हम चलते हैं इथेरियम के ऊपर चलते हैं। इथेरियम का अगर हम देखते हैं तो इथेरियम ऑलमोस्ट 202 के आसपास टच किया था। इथेरियम और BTC जो है वो साथ साथ चलते हैं, काफ़ी कोरिलेट होके चलते हैं। तो अगर BTC में ऊपर की तरफ मूवमेंट आती है तो ऑफकोर्स इथेरियम के उसमें अंदर भी आएगी मूवमेंट। तो अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो अभी जो है 223, जैसे मैं कहता हूँ, काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट था, उससे ऊपर जो है 228 का है, उससे ऊपर 238 का है, ठीक है। तो अगर इसको बाय करना है तो मेरे हिसाब से आप 210 के आसपास इसके एक बिड लगा सकते हैं बाय की, और वो हिट हो जाती है तो आपको काफ़ी अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि इथेरियम BTC ये ऐसा है कि इसकी जो मार्केट है 500 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगी। इथेरियम है उसमें भी अगर थोड़ा सा BTC ऊपर हो जाएगा तो आप इजीली इसको 240 के ऊपर देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो एक नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है, न्यू बिल तैयार किया गया है फ्रॉम US लॉ मेकर्स की तरफ से, वो क्यों इतना बेहतरीन है, क्यों उसकी वजह से जो बिटकॉइन है वो और बुलिश रहेगा और तेज़ी से ऊपर जा सकता है, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि US लॉ मेकर्स हैव क्रिएटेड ए न्यू बिल डेट विल बूस्ट बिटकॉइन एंड प्रोहिबिट टेक मोनोपोलीज फ्रॉम लॉन्चिंग देयर ओन क्रिप्टो करेंसीज। मतलब कि इन्होंने जो एक ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें ये बताया गया है कि जितने भी बड़ी बड़ी
जो कंपनीज़ हैं, टेक कंपनीज़ हैं या आईटी कंपनीज़ हैं या सोशल मीडिया की जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, फेसबुक, ये सब जो हैं, वो अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च ना कर पाएँ। देखिए, सिंपल सी चीज़ है कि अगर फेसबुक को एक ग्रीन झंडी दे देते हैं कि वो अपना लिब्रा लॉन्च कर देगी, अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर देगी, उसके बाद क्या रहेगा कि उसका देखा देखी और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, आईटी टेक जाइंट्स हैं, आईबीएम हैं, विप्रो है और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, सब इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, सबके पास एक कहने को होगा कि भाई फेसबुक जब कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हर कोई जब अपनी एक क्रिप्टो करेंसी लेके आएगा, हर कोई अपना एक एक्सचेंज लेके आएगा, तो मार्केट जो होगा वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और सबकी अलग अलग एक मोनोपोली बन जाएगी। तो क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो अभी खुद बिटकॉइन से इतनी परेशान है कि इसको किस तरह से रोका जाए, वो नहीं चाहते कि इसके अंदर और भी लोग आ जाएं, तो वो किस किस को देखेंगे। तो जो नया ड्राफ्ट है उसके अंदर क्लियर कट ये कहा गया है कि इन सबको क्रिप्टो करेंसी के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो ड्राफ्ट है इसका जो टाइटल है, कीप बिग टेक आउट ऑफ फाइनेंस, डेट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फाइनेंशियल सर्विसेज कमिटी। तो इसका जो प्राइमरी डायरेक्टिव है, इज़ टू प्रिवेंट इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी जाइंट्स फ्रॉम बिकमिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब कि आप जो टेक कंपनीज़ हैं, जो आप कर रहे हो, उसको छोड़ के आपको अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कदम नहीं रखना है। ठीक है, वरना हर कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह बन जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। एंड इट आल्सो एम्स टू प्रोहिबिट दीज फर्म्स एस्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग और ऑपरेटिंग ए डिजिटल एसेट्स दैट इज़ इंटेंटेड टू बी वाइडली यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एज डिफाइंड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द फेड। ठीक है, तो इस सब चीज़ों पे इनको बहुत पाबंदी है। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं जिनका एनुअल ग्लोबल रिवेन्यू है $25 बिलियन से ज़्यादा है, वो इस दायरे के अंदर आते हैं, इस एक्ट के अंदर आते हैं। और अगर वो इस और अगर ये एक्ट पास हो जाता है और उसके बाद से कुछ गड़बड़ी होती है तो डेली उन पर जो फाइन लगेगा वो लगभग मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लग सकता है। और बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, उनका भी ये मानना है कि ये जो ड्राफ्ट है इसकी वजह से बिटकॉइन जो है वो बहुत बुलिश होगा। तो जो गवर्नमेंट है उनका मेन इंडिकेशन है डेट इज़ ऑन फेसबुक लिब्रा, कि इसको ना आने दे, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बिटकॉइन पे तो ये लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बिटकॉइन की कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, जिसको पकड़ के वो कोर्ट वगैरह में लेके आएंगे। ठीक है, तो इसलिए बिटकॉइन पे तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, उस पर रेगुलेशंस की तैयारी हो रही है, लेकिन जो बाकी लोग हैं जो इसके अंदर अपना अपना लाना चाहते हैं वो नहीं आएगी मेरे हिसाब से। ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया जाएगा इसके अंदर। और जैसे कि मैंने कहा कि जो मेन टारगेट डेट इज़ फेसबुक है, देखिए फेसबुक में ऑलरेडी बहुत सारी केसेस है मेरे हिसाब से और बहुत सारी गड़बड़ी ऑलरेडी चल रही है। जैसे कि इनके पास जो डेटा रहता है वो काफ़ी सिक्योर नहीं रहता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी खबरें निकली हैं कि फेसबुक पे जो डेटा रहता है वो लीक हो जाता है, ये हो जाता है। और अगर हम कल की बात देखते हैं, कल की न्यूज़ देखते हैं फेसबुक के बारे में, कि द फर्म वॉज फाइंड ए रिकॉर्ड $5 बिलियन बाय द फेडरल ट्रेड कमीशन फॉर एलिज्ड प्राइवेसी मिसहैप्स। द कंपनी क्लियरली कैन नॉट बी ट्रस्टेड विथ डेटा एंड कांग्रेस अपीयर्स टू फील द सेम अबाउट फाइनेंस। मतलब कि जो कंपनी अपने डेटा को सही से नहीं रख सकती है, तो वो अगर अपने फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वगैरह के तौर पे अगर आनी चाहती है तो वो कैसे सेफ होगी। ठीक है, तो बहुत कड़ा कदम लगाया जा रहा है फेसबुक के ऊपर। ऑफ कोर्स लिब्रा ये सब नहीं आनी चाहिए, इससे बिटकॉइन ये सब पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से तो नहीं आने वाला है और आना भी नहीं चाहिए। और ये सब चीज़ों की वजह से बिटकॉइन जो है उसकी डोमिनेंस बढ़ी हुई है। फाइनली इसके अंदर मैं बात करता हूँ ऑल्ट कॉइंस के बारे में बात करता हूँ। देखिए, ऑल्ट कॉइंस का जो सीज़न है मेरे हिसाब से वक्त से पहले आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऑल्ट्स के अंदर जो डिप मिल रही है वो बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त डिप मिल रही है। अभी ये जो फॉल हुआ है 1000 पॉइंट का BTC का फॉल हुआ है, उस समय जो ऑल्ट्स की लिस्ट हम देखते हैं तो सब 30% 20% नीचे की तरफ आ गई थी। इसलिए मैंने फ्राइडे को जो कॉल्स दिए थे उसके बाद मैंने कहा था कि सैटरडे को सही लगेगा तो दूंगा, संडे को सही लगेगा तो दूंगा, और कहा था कि जो रेंज है मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था कि 11100 को अगर तोड़ता है तो काफ़ी नीचे से आ जाएगा, हम वेट करेंगे नीचे आने का, उसके बाद ही हम उसमें एंट्री लेंगे, क्योंकि ऑल्ट जो है हमें एकदम डिप में मिल जाएगी। तो अभी जो मेन फोकस है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आप कह सकते हैं इन सिंगल वर्ड स्मार्ट मनी, मार्केट में जो स्मार्ट मनी आएगा वो बिटकॉइन से ज़्यादा ऑल्ट कॉइन में से कमाएगा, 50x 100x से ज़्यादा उसमें कमाएंगे, क्योंकि ऑल्ट कॉइन की जो प्राइस है बहुत नीचे है, 90% से लेके 95% के आसपास नीचे की तरफ चल रही है। इमेजिन कीजिए कि ये जो स्मार्ट मनी आते हैं ये हमारी तरह नहीं होते हैं,
कि अभी डाला और शाम को निकाल लिया, वो एकदम डिप में बाय करते हैं और जब उसको उसमें से 60-70%, 100%, 200% के ऊपर मुनाफा मिलता है तब उसमें से वो निकालते हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर देम टू इन्वेस्ट इन दी ऑल्ट कॉइन्स। और यही मैं आप लोगों को कहता हूँ कि हमेशा एक डिप में बाई कीजिए, एडवांस डिप, एडवांस बाय बिट डाल कर रखिए। जो कॉइन्स हिट हो जाएंगे तो उसमें हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो नहीं हिट होता है तो कोई बात नहीं, आपका फंड उसमें कोई फंसेगा नहीं। ठीक है, अब कौन कौन से कॉइन्स के अंदर, जो अच्छे कॉइन्स हैं जिनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं तो हमेशा इथेरियम को पकड़ता हूँ। देखो इथेरियम है, XRP है, फिर लिंक है, और भी जो कुछ कॉइन्स हैं जिनके अच्छे अच्छे न्यूज़ आ रही हैं, जो आज मैंने आप लोग को मॉर्निंग में 11 बजे के आसपास शेयर किया है, काफ़ी अच्छे उसमें कॉइन्स है, उसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिलिका की बात करते हैं, जिल की जिसकी वैल्यू है वो भी 80% के नीचे की तरफ आ चुकी है, और सिलिका के हमने 2-3 बार कॉल को डाले हैं और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन जो कॉल्स मैं आप लोग को दे रहा हूँ चैनल के ऊपर, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है, उसमें हम अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। और मेरे हिसाब से आने वाले जो समय में कुछ महीनों के अंदर ऑल्ट कॉइन्स का जो मार्केट है, ऑल्ट कॉइन्स का जो मार्केट कैप है, वो भी लगभग $180 बिलियन से ऊपर ज़रूर चले जाएगा, और उस समय बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, इट्स ए मैटर ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन देखिए क्रिप्टो करेंसी ऐसी चीज़ है जो स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स से थोड़ा अलग है। स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, ये सब जो है डेट इज़ ए रेगुलेटेड है, ठीक है, और ये जो है इट इज़ अनरेगुलेटेड। तो अनरेगुलेटेड है इसी वजह से इसके अंदर इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है और रिस्क भी उसी हिसाब से होता है। ठीक है, तो इसमें अभी सही मौका है, हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कमाना है, हमें BTC के अंदर कमाना है। ठीक है, लेकिन सही स्ट्रेटजी से, राइट स्ट्रेटजी हमें यूज़ करनी है फॉर एंट्री, फॉर एग्ज़िट, चाहे आप बिटमैक्स में करें चाहे कुछ और में करें। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा कि देखिए बिटमैक्स काफ़ी अच्छा है ट्रेडिंग करने के लिए, लेवरेज वगैरह के लिए, उसके साथ बाइनेंस के ऊपर भी स्टार्ट हो गया है। अब इसको देखा देखी मार्केट में बहुत सारी जो है ये लेवरेज ट्रेडिंग वाली, मार्जिन ट्रेडिंग वाली कुछ वेबसाइट्स आ रही हैं जिनकी प्रमोशंस वगैरह चल रही हैं। ठीक है, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को यही कहूँगा थोड़ा सचेत रहने के लिए कि अगर करना ही है तो जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ही आप पकड़िए, बिटमैक्स है या बाइनेंस है। मतलब ये जो दो वेबसाइट्स हैं इस पर सारा काम हमारा जब हो जाता है तो हम तीसरी वेबसाइट्स पे क्यों जाएं? वो भले आपको कुछ ऑफर्स देंगे कि भाई आ जाओ आपको $10 मिलेगा, $15 मिल जाएगा, कोई ऐसे ही $10-15 नहीं बांटता है। ठीक है, तो जस्ट मेरा सजेशन है, रेस्ट सारी चीज़ें आपके ऊपर है, आप लोग को अगर सही लगता है जहाँ पर भी आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद और भी कोशिश करूँगा अपडेट्स देने के लिए, और ट्विटर पे ज़रूर फॉलो कीजिए। ठीक है, ट्विटर पे मैं बहुत जल्दी जल्दी अपडेट्स देने की कोशिश करता हूँ, साथ में टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको भी फॉलो कर लीजिए, उसके लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ पे भी जो भी अच्छे कॉल्स होते हैं आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, और अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाएँ। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे नए वीडियोज़ और न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।